क्या होम्योपैथिक दवाइयों से लिंग के साइज को बढ़ाया जा सकता है? वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट का साइज कम रह जाता है? इस वीडियो में जानेंगे वो सभी कारण जिनकी वजह से लिंग का साइज कम रह जाता है और जानेंगे प्रत्येक कारण की सबसे सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक औषधि, यानी जिस भी कारण से आपके प्राइवेट पार्ट का साइज कम हो गया है या जन्म से ही आपके प्राइवेट पार्ट का साइज पहले से ही कम है। तो आइए इन सभी कारणों को जानेंगे और जानेंगे प्रत्येक कारण से जिसकी वजह से लिंग का साइज छोटा रह गया है 100% साइज को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। प्राइवेट पार्ट का साइज कम होने का कारण नंबर एक। दोस्तों, हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वो एक गुब्बारे की तरह होता है। गुब्बारे में हम जितनी अधिक हवा भरेंगे उतना ही उसका साइज बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा हवा गुब्बारे के अंदर होगी, गुब्बारे का साइज भी इतना ही ज़्यादा बड़ा होगा और उतनी ही ज़्यादा कड़कपन, उतनी ही ज़्यादा हार्डनेस गुब्बारे के अंदर आएगी। अगर गुब्बारे के अंदर हवा कम है या हवा किसी दूसरे रास्ते से लीक हो रही है तो गुब्बारे का साइज पूरा बड़ा नहीं हो पाएगा और उसमें ढीलापन रहेगा। दोस्तों, हमारा पेनिस भी ठीक इसी प्रकार से काम करता है। जितना अधिक रक्त, जितना अधिक ब्लड आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर भरता है उतना ही आपके प्राइवेट पार्ट का साइज बढ़ जाता है। और दोस्तों, प्राइवेट पार्ट में कड़कपन भी तभी आएगा जब उसके अंदर फुल ब्लड फ्लो आएगा और वो ब्लड वहां पर रुकेगा, वो ब्लड किसी दूसरे रास्ते से लीक ना होता हो, यानी ब्लड भरपूर आए और जब तक आपकी सहवास क्रिया पूर्ण हो तब तक वो वहां पर होल्ड हो सके। दोस्तों, जिन लोगों के पेनिस में ब्लड सप्लाई की कमी होती है, ब्लड सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, तो उनका प्राइवेट पार्ट इरेक्शन के बाद में छोटा दिखाई देने लगता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई पूरी नहीं आ रही है और अगर ब्लड सप्लाई आ भी रही है तो दूसरी तरफ से लीकेज हो रहा है। तो इसके दो कारण हैं दोस्तों, या तो हमारी आर्टरी ही ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं कर रही है, आर्टरी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, या तो बहुत अधिक मास्टरवेशन के कारण, एक्सेस मास्टरवेशन के कारण आर्टरी आपने अपनी ख़राब कर दी हैं, या डायबिटीज़ की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी आर्टरी खराब हो गई हैं, आर्टरी के अंदर क्लॉट्स बन गए हैं या आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है। तो इन सभी कारणों की वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है और जब आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगी तो आपको लगने लगेगा कि जैसे मेरे पेनिस का साइज छोटा हो गया है। तो प्राइवेट पार्ट के छोटा होने का सबसे पहला कारण पेनिस में ब्लड सप्लाई की कमी। चाहे वो ब्लड सप्लाई की कमी बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने के कारण आई हो, या डायबिटीज़ की वजह से आई हो, या कोलेस्ट्रॉल की वजह से आई हो, कारण जो भी हो, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनका अगर आप प्रयोग शुरू करते हैं तो आपकी जो आर्टरी है वो रिपेयर हो जाएंगी। आर्टरी के अंदर अगर कोई क्लॉट्स है, अगर आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ब्लड सप्लाई वहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, तो वो सभी प्रॉब्लम इन दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आज आपको एक ही कारण बताऊंगा और इस एक कारण की 3 होम्योपैथिक दवाई आपको बताऊंगा। ये पूरा वीडियो हम इसके 3 पार्ट में ले रहे हैं, एक पार्ट आ जाएगा, दूसरा पार्ट इसका कल आएगा, तीसरा पार्ट इसका परसों आएगा। तो प्राइवेट पार्ट का साइज छोटा होने का कारण नंबर एक, प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी। दोस्तों, अगर हम प्राइवेट पार्ट के साइज को बढ़ाने की एक कॉमन दवाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली इसकी कॉमन दवाई है साइडोनिया वल्गरिस। साइडोनिया वल्गरिस को मदर टिंचर की फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइडोनिया वल्गरिस को 15-15 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेने से ये आपके प्राइवेट पार्ट के साइज को बढ़ाता है। वहां पर अगर ब्लड फ्लो की कमी है तो ये ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आर्टरी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आर्टरी को रिपेयर करने के लिए सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई है स्टेफिशगेरिया। स्टेफिशगेरिया को हमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, 4 बूंदे सुबह, 4 बूंदे दोपहर, 4 बूंदे शाम को। दूसरी दवाई जो हमें इस्तेमाल करनी है इसका नाम है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना को भी 30 पोटेंसी में 4 बूंदे सुबह, 4 बूंदे दोपहर, 4 बूंदे शाम को। इन दोनों दवाइयों के साथ साथ एक जो कॉमन दवाई हमें इस्तेमाल करनी है उसका नाम है साइडोनिया वल्गरिस, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, ये पेनिस के साइज को बढ़ाने के लिए एक कॉमन दवाई है। चाहे आपको कारण कुछ भी रहा हो, किसी भी कारण से अगर आपके प्राइवेट पार्ट का साइज छोटा रह गया है तो साइडोनिया वल्गरिस उन सभी कारणों में काम आती है। प्राइवेट पार्ट का साइज कम रहने का दूसरा जो कारण है वो है दोस्तों पुरुष हार्मोन्स की कमी, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी। जब हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो उस वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट सिकुड़ जाता है और उसके साइज में कमी आ जाती है।
तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे और आपको बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर करके जाएं। मिलते हैं कल फिर से इसके दूसरे पार्ट में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार।